क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे जो कि थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है. इसमें बताया गया अ लीटर ऑफ ड्राई एयर एट एसटीपी एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली टू अ वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर्स. मतलब यह है कि पहले 1 लीटर वॉल्यूम था, अब जो है एक्सपेंड होकर के इसका वॉल्यूम 3 लीटर हो गया है ना. गामा का वैल्यू दिया गया है 1.4. देन द वर्क डन बाई एयर हमें फाइंड करना है. ठीक है, ये वैल्यू दिया गया है कहीं पर यूज हो तो 3 पावर 1.4, 4.6555 टेक एयर टू बी एन आइडियल गैस इक्वेशन. मतलब ये है कि इनिशियली जो प्रेशर है वो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि एसटीपी पर कहा गया है 1 एटमोस्फेरिक का मतलब 10 पावर 5 पास्कल है ना. अच्छा, वॉल्यूम जो था इनिशियली वो था 1 लीटर, तो 1 लीटर को जो है वो लिखा जा सकता है SI यूनिट में 1 × 10⁻³ है ना. उसी तरह से P2 जो है वो हमें फाइंड करना है. V2 हमें दिया हुआ है 3 लीटर दिया हुआ, तो उसको मैं 3 × 10⁻³ लिख सकता हूँ SI यूनिट में है ना. तो चूंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है तो एडियाबेटिक प्रोसेस इक्वेशन यूज करा जा सकता है. एडियाबेटिक प्रोसेस इक्वेशन क्या होता है, ये होता है PV पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. मतलब P2 V2 पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 पावर गामा है ना. तो P2 इज इक्वल टू P1 V1 बाई V2 पावर गामा. P1 जो है यहाँ पर 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर दिया गया है यानी 10⁵ पास्कल. V1 था 1 और V2 है 3, गामा है 1.4 है ना. तो ये जो है प्रेशर हो गया. अब हमें पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जो है डेल्टा क्यू जीरो होता है. ये जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ ये लिख रहा हूँ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से. इसमें डेल्टा क्यू जीरो होता है, हीट सप्लाई नहीं किया जाता, हीट कंटेंट कांस्टेंट रहता है. तो यहाँ से ये कहा जा सकता है कि जो डेल्टा डब्ल्यू है वो होना चाहिए माइनस डेल्टा यू के इक्वल है ना. और जो डेल्टा यू होता है किसी भी प्रोसेस में वो एक ही फॉर्मूला होता है NR ΔT/γ-1. R/γ-1 CV होता है ना. तो चूंकि इंटरनल एनर्जी किसी भी प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, इसलिए हर प्रोसेस में चेंज निकालना हो तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक, तो यहाँ पर हमें पता करना है वर्क डन. तो वर्क डन जो है यहाँ पर लिखा जा सकता है −NR ΔT को लिखेंगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर बाई γ-1 NR T1 − T2 by γ-1. ये जो माइनस साइन था इसको हमने ब्रैकेट के अंदर कंपेंसेट कर दिया है ना. अब जो वर्क डन है ये आएगा आइडियल गैस इक्वेशन से P1 V1 = NR T1 होता है ना. तो मैं NR T1 को P1 × V1 लिख दूंगा और NR T2 को P2 × V2 लिख दूंगा डिवाइडेड बाई γ-1. तो P1 जो है वो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर था, P1 कितना था इतना, तो ये रखेंगे 10⁵. वॉल्यूम कितना था V1, ये यहां पर लिखा है 10⁻³, 10⁻³ माइनस P2 यहां पर हमने फाइंड किया है, ये है 10⁵ × 1/3⁴, मतलब 1/3⁴ ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको है ना. ये हो गया P2. और V2 जो है यहां से देख सकते हैं यह है 3 × 10⁻³, 3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई गामा का वैल्यू क्वेश्चन में 1.4 दिया गया है −1. ठीक, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 88.9 जूल है ना. तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, इसके पास में जो ऑप्शन है वो है पहला वाला ऑप्शन. पहला वाला ऑप्शन जो है 90.5 है, बाकी ऑप्शन जो है काफ़ी दूर है उससे. तो ये कहा जा सकता है कि अप्रोक्सीमेटली ये जो है 90.5 जूल के आसपास है.
फर्स्ट ऑप्शन जो है उसको हम लोग करेक्ट ऑप्शन कहेंगे।